सो so, गाइस hey आ गए हूँ आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर अभी आपने जो स्टार्टिंग के प्रीव्यू में देखा आज मैं आप लोग को इस वाले स्टेटस का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ तो so, गाइस अगर आप भी कुछ इस टाइप का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना इन चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैलाकन को प्रेस कर लेना केवल स्टेटस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली एलाइट मोशन ऐप की जरूरत पड़ने वाली है अगर आपके पास एलाइट मोशन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के या तो फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप लोग को एलाइट मोशन में दो प्रिशेट इम्पोर्ट करना है देखिए यहाँ पे एक बुक मार्क और एक एच डी तो इन दोनों को इम्पोर्ट करने के लिए आप लोगों को गूगल में जाना है या तो फिर क्रोम ब्राउजर में जाना है एंड वहां पे जाने के बाद आप लोग को एस बी टेकवाई सर्च करना है सर्च करने के बाद फर्स्ट वाले वेबसाइट पे जाना वहां पे आप लोगों को जो दोनों है वो मिल जाएगा तो वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेना है और अगर आप लोग अप्रिशिएट इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना वहाँ पे आप लोग को एक वीडियो का लिंक मिलेगा कि मटेरियल डाउनलोड कैसे करें वो वीडियो देखना आप लोगों को समझ में आ जाएगा एंड अप्रिशिएट इम्पोर्ट कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे एलाइट मोशन ओपन कर लेना और अगर आप लोग को एडिटिंग में और भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना मैं वहाँ पे आप लोगों रिप्लाई जरूर से करूंगा अब गई यहाँ पे एलाइट मोशन ओपन करने के बाद आप लोग जो की ये आप लोग को ओपन कर लेना है ठीक है एंड ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कुछ लेयर्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इन लेयर्स में आप लोगों को अपने फोटोज को रिप्लेस करना होगा ठीक है एंड फोटो रिप्लेस करने के बाद आप लोगों का स्टेटस लो वीडियो जो है बन करके रेडी हो जाता है तो फोटो रिप्लेस करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे स्टार्टिंग पे आना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले लेयर पे यहाँ पे जो ऊपर में दिख रहे हैं ना इस पर आप लोग को टैप करना है एंड टैप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कलर एंड फिल पे आकर के इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है एंड गई यहाँ से आप लोग को नाइन इं सिक्सटीन साइज वाला फोटो सेलेक्ट करना है अगर आप लोग के फोटो का साइज नाइन इं सिक्सटीन में नहीं है तो आप लोग को पहले उसको क्रॉप करके यहाँ पे सेव करना पड़ेगा तो यहाँ से पहले बैक आ जाना है आप लोगों को और यहाँ पे लास्ट पे आ जाना ठीक है एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्लस पे टैप करके मीडिया पे आने मीडिया में आने के बाद जिस फोटो का आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है तो मैं कुछ ये वाला ले लेता हूँ एंड ये लेने के बाद आप लोगों को थ्री डॉट पे टैप करके इसको फिल कम्पोजीजन एरिया के ऑप्शन पर टैप करना है एंड टैप करने के बाद इसको आप स्लाइड वगैरह करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो अब इस फोटो आप को आप लोग को सेव करना है ठीक है अब ये जो है नाइन इन टू के साइज में हो जाता है तो यहाँ पे टैप करना है आप लोगों को करेंट एस पी एन जी का ऑप्शन मिलेगा गया यहाँ पे टैप करना और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है ये करने के बाद यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आएगा ठीक है देखिए यहाँ पे आप लोग सेव पे टाइप कर देना है ये फोटो जो है नाइन इन टू सिक्सटीन के साइज में सेव हो, हो जाता है अब यहाँ से बैक आकर के इसको डिलीट करना है आप लोग को फिर से प्लस पे टाइप कर मीडिया पे आना है नेक्स्ट फोटो लेना और थ्री डॉट पे टैप करके फिर से फिल कम्पोजिजन कर लेना है इसको भी आप लोग को सेव कर लेना तो यहाँ पे टैप करना करेंट फेमस पी एन पे टैप करना और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है तो इस तरीके से आप लोग को लगभग पांच से छह फोटो को नाइन इन टू सिक्सटीन के साइज में सेव कर लेना है तो आप पांच छह फोटोज को कर लेना इसके बाद आप लोग को आप फोटोज को आप लोग को यहाँ पे रिप्लेस करना है मैंने यहाँ पे काफी सारे फोटोज को कन्वर्ट कर रखा है ठीक है अब यहाँ पे ऊपर वाले लेयर पे टैप करना टैप करने के बाद कलर एंड फील पे आकर के यहाँ पे टैप करना है आप लोगों को एंड इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एलाइट मोशन के फोल्डर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आना है यहाँ पे आप लोगों को वो फोटो देखने को मिल जाएगा जो आप नाइन इन टू सिक्सटीन में कन्वर्ट किए रहोगे जो फोटो आप स्टार्टिंग में लगाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे प्लस पे टैप कर देना है ठीक है यहाँ पे जो फोटो है कुछ इस तरीके से लग जाता है अब आप लोग को यहाँ पे आगे आना है आगे आने के बाद यहाँ पे लगभग तेरह सेकंड पे ऊपर में आप लोग को और भी यहाँ पे लेयर देखने को मिल जाएगा तो अब आप लोग को इस वाले पे टैप करना है ठीक है एंड कलर एंड फील्ड पे आकर के फिर से यहाँ पे टैप करके अब आप लोग को कोई सा भी दूसरा फोटो लेना है तो मैं ये वाला लेता हूँ फिर यहाँ पे आप लोग को प्लस पे टैप कर देना है अब ये हो जाने के बाद इस इसी फोटो को आप लोग अब सेकंड वाले लेयर पे भी रिप्लेस करना है तो यहाँ पे टैप करना कलर एंड फील्ड पे आकर के सेम फोटो सेलेक्ट करके प्लस पे टैप कर देना आप लोग को फिर से नेक्स्ट वाले लेयर पे टैप करना और उसी फोटो को फिर से यहाँ पे रिप्लेस करना है एंड यहाँ पे इस नेक्स्ट वाले पे भी करना और यहाँ पे जो डबल बुकमा का है ना देखिए यहाँ पे सत्रह सेकंड पे यहाँ तक क्या आप लोग को यहाँ तक जितने भी लेयर्स आएंगे ना सभी में आप लोग को सेम फोटो इस तरीके से रिप्लेस करते आना है यहाँ पे मैंने कुछ लेयर को छोड़ रखा है अगर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा अब यहाँ पे जहाँ पे डबल बुक मार्क आ रहा है ना यहाँ पे रेड कलर का डबल लाइन आ रहा है यहाँ से आप लोग को फोटो चेंज करना है तो इस वाले लेयर पे टाइप करना कलर एंड फील पे आकर के अब आप लोग को कोई सभी दूसरा फोटो लेना है इस तरीके से देन प्लस पे टाइप कर देना अब इसी फोटो को आप लोग को आगे के लेयर में भी रिप्लेस करते जाना है तो नेक्स्ट वाले पे टाइप करना फिर से सेम फोटो आप लोग को लेना है और यहाँ पे जहाँ तक के डबल बुक मार्क आता है ना देखिए यहाँ पे डबल बुक मार्क है तो इसके पहले वाले लेयर तक के आप लोग को सेम फोटो इस तरीके से रिप्लेस करते आना तो कर है तो ये कंप्लीट कर लेना फिर से यहाँ पे डबल बुक मार्क आ रहा है तो यहाँ से आप लोग को फोटो चेंज करना है और यहाँ पे आप लोगों को फिर से यहाँ पे जो डबल बुक मार्क आ रहा है यहाँ तक के सेम फोटो लगाना और लास्ट में भी कोई सा भी एक ही फोटो आप लोगों को तीन लेयर में रिप्लेस कर देना है तीन चार लेयर में ठीक है अब इसको आप पूरा कंप्लीट कर लेना फिर यहाँ से आप लोग को बैक आकर के आप लोग जो सेकंड प्रीसेट इंपोर्ट की हो गया एचियर इफेक्ट ये आप लोग को ओपन करना है ठीक है एंड यहाँ पे सब अगर आप अपने वीडियो में एच इफेक्ट लगाना चाहते हो तो आपको इन पांच लेयर को कॉपी करना होगा यहाँ पे फोटो को छोड़ करके ठीक है तो कॉपी किस तरीके से करना है यहाँ पे आप लोगों को किसी भी एक पे लॉन्ग प्रेस करना है इसको सेलेक्ट करना और बाकी को भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है तो यह करने के बाद यहाँ पे टैप करके कॉपी फाइव लेयर करना है यहाँ से आप लोग को बैक आकर बुक मार्क ओपन करना है और स्टार्टिंग पे ही रहना यहाँ पे टैप करके आप लोग को पेस्ट फाइव लेयर कर देना है अब ये करने के बाद आप लोग पांचों को फिर से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है ठीक है एंड ये करने के बाद यहाँ पे लास्ट पे आना और लास्ट पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को एक बार टैप कर देना है वो भी लग जाता है पूरा कंप्लीट करके रेडी हो जाता है और पसंद चैनल को भी प्रेस कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी अब आप लोगों को सिंपली एक्सपोर्ट करना है तो इस वाले ऑप्शन पे टैप करना यहाँ से वगैरह आप लोग सेट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है आप लोग का वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाता है